श्वेता तिवारी के एक हस्बैंड राजा चौधरी पूरे 13 साल बाद अपनी बेटी पलक से मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_IG। श्वेता तिवारी टेलीविजन की बहुत ही पॉपुलर एक्टर, राजा चौधरी भी जाना माना चेहरा, बिग बॉस में भी नजर आए थे। साल 2007 में इन दोनों के बीच जब बातें ठीक नहीं थी तो डिवोर्स हो गया था, तलाक हो गया था, और उसके बाद से ही राजा चौधरी और श्वेता तिवारी अलग अलग थे। आपको बता दूं कि 2007 से लेकर अब तक राजा चौधरी अपनी बेटी यानी कि पलक तिवारी से नहीं मिले थे। उन्होंने बताया कि जनरली मेरी व्हाट्सएप पे बात हो जाती थी, लेकिन इन पूरे सालों में मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। अब उन्होंने बताया कि मैं पेरेंट्स के साथ रह रहा था लेकिन कुछ काम के सिलसिले में मैं बाहर आया था, मुंबई आया था, और जब मेरा काम ख़त्म हो गया और पलक जो है अपना कोई शूट कर रही थी तो मैंने उससे पूछा कि अगर उसके पास टाइम हो तो फिर हम एक रेस्टोरेंट में मिले। वहाँ पर हमने टाइम स्पेंड किया, 1-1.5 घंटा रहे, और फिर राजा चौधरी ने अपनी फ़ोटो पलक तिवारी के साथ अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा मोमेंट ऑफ लाइफ। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि राजा चौधरी ये बातें करते हुए काफ़ी इमोशनल हो गए थे। तो एक अच्छा मोमेंट था राजा चौधरी के लिए भी, पलक तिवारी के लिए भी। हम दुआ करेंगे कि आने वाले समय में भी ऐसे ही मिलते रहें और ऐसी ही मुस्कुराती तस्वीरें सामने आती रहें। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।